ड्रग्स मामले में एनसीबी की पूछताछ में फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने कहा कि फिल्म छिछोरे की रिलीज के बाद एक पार्टी पावना फार्म हाउस में हुई थी। दोपहर 3 बजे हम वहां पहुंचे थे। लंच के बाद बोट में हम आइलैंड पर पहुंचे थे जहां पर ड्रग्स और अल्कोहल की पार्टी हुई थी। इसमें हम म्यूजिक पर देर रात तक नाचे थे, लेकिन मैंने उस पार्टी में ड्रग्स नहीं लिया था। बता दें कि एनसीबी डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा श्रद्धा और सारा अली खान से पूछताछ करने के लिए एनसीबी बिल्डिंग गए। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश के चैट के साथ कन्फ्रंटेशन टीम के बाकी लोग कर रहे थे। चैट के बारे में कई सवाल किए गए हैं। अभी कन्फ्रंटेशन लंबी चलेगी। दीपिका जब एनसीबी के दफ्तर पहुंची तो आराम से बैठी। एनसीबी टीम ने शिष्टाचार के हिसाब से उन्हें चाय बिस्किट सर्व किया और उन्होंने चाय भी पी। दीपिका ने माना कि ड्रग्स वाला चैट उन्हीं का है, लेकिन ड्रग्स लेती थी या नहीं, इन सवालों के जवाब कन्फ्रंटेशन के बाद साफ होंगे। केपीएस वापस यहां आकर दोबारा दीपिका और करिश्मा से पूछताछ करेंगे। सारा अली खान ने एनसीबी पूछताछ में कहा कि 2018 फरवरी में केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हुआ था। फिल्मों की शूटिंग के बाद वो सुशांत के घर में सुशांत के साथ रहने भी चली गई थी। दोनों 5 दिन के लिए थाईलैंड के को समुई आइलैंड में गए थे जहां पार्टी भी किया था। सारा ने कहा कि शूटिंग के दौरान सुशांत ड्रग्स लेते थे, खुद के ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया।